पार्ट नहीं देखा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे डेंचर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो पेशेंट बोलता है डेंचर लूज हो रहा है या पेशेंट को डिस्कम्फर्ट हो रहा है, जो जिस प्रॉब्लम के साथ पेशेंट आता ही आता है आपके साथ, वो प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। पिछली वीडियो में हम कर चुके हैं और कैसे उसको ट्रीट करेंगे हम वो भी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देखिए, उसमें हमने लूजनेस में और डिस्कम्फर्ट दोनों की बात की है। लूजनेस में मैं एक ब्रीफ दूंगी आपको जल्दी से क्विक एक मिनट में। लूजनेस में हमने क्या बात की है कि हमारे तीन जो फैक्टर हैं, या तो मेरी रिटेंशन कम हो रही है, या मेरा डिस्प्लेस ज्यादा हो रहा है, डिस्प्लेसिंग फोर्स ज्यादा है, या सपोर्ट की प्रॉब्लम है। रिटेंशन मेरी कम हो रही है, वो सील नहीं बन पा रहा है, इंप्रेशन सरफेस में एयर है, या फिर हमारा जीरोस्टोमिया हो रहा है, थूक ही नहीं बन रहा है तो चिपकेगा कैसे। डिस्प्लेसिंग फोर्सेस में हमारे बॉर्डर ओवर एक्सटेंड हो रहे हैं, ऑक्लूजल प्रॉब्लम्स है, इनकरेक्ट प्लेन ऑफ ऑक्लूजन है। सपोर्ट की बात अगर हम लोग करते हैं, सपोर्ट में हमने क्या पढ़ा है कि हमारा सपोर्ट ही नहीं ले रहा है, रिज में ही लैक है, रिज में ही सपोर्ट नहीं है, रिज ही नहीं है तो सपोर्ट कहां से होगा। और मेरे डिस्प्लेस कर रहे हैं, फाइब्रस डिस्प्लेसेबल टिश्यूज प्रेजेंट है, इन सब केसेस में हम लोग क्या करते हैं, फिक्सॉन देते हैं, डेंचर एडहेसिव देते हैं। डिस्कम्फर्ट की बात करेंगे तो हमने क्या बोला, इंप्रेशन सर्फेस पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पॉलिश सर्फेस पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है, और ऑक्लूजल सर्फेसिस पे डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो ये हमारे होगी दो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हम लोग पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिसलेनियस फैक्टर्स की, जिसमें हम लोग फोनेटिक्स और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स की बात करेंगे। उससे पहले हम लोग बात कर रहे हैं, हमारा पेशेंट सेटिस्फाइड नहीं है, तुमने ट्राइन आपने कर दिया है, उसके बाद भी जो है मेरा पेशेंट जो है वो खुश नहीं है, आपके जो आपने दांत लगाए हैं वो दांत जैसे दिख रहे हैं उससे मे भी हो सकता है वो ट्राइन में वो सेटिस्फाई नहीं हुआ हो, या फिर आपने ट्राइन स्किप कर दिया हो, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो जो हम लोग अपियरेंस पुअर है वो दो ही सबसे बड़ी जो है अपियरेंसेस को वो कंट्रोल करता है। एक तो ये है कि मेरे दांत ही नहीं दिख रहे हैं, ठीक है, यानी कि पेशेंट बोल रहा है, देखिए यूजुअली ना ये वाली प्रॉब्लम आती है पेशेंट के साथ, मैंने तो बहुत देखी है। तो जो पेशेंट जब बोलता है, हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि जब वो टीथ सेटिंग करते हैं, पेशेंट जब बोलता है ट्राइन के टाइम पे या फिर डेंचर इंसर्शन के टाइम पे, यूजुअली डेंचर के साथ जब भी पेशेंट बोलता है ना, तो क्या होता है पता है, लोअर दांत दिखाई देते हैं, लोअर एंटीरियर दिखाई देते हैं और अपर एंटीरियर दिखाई नहीं देते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे बड़ी होती है जब जॉ रिलेशन के टाइम पे आपने सबसे पहले स्माइल डिजाइनिंग नहीं की है, ठीक है, स्माइल लाइन नहीं मार्क किया और आपने फेशियली नहीं देखा है। तो जेआर जल्दी जल्दी में किया हुआ, सोचो एंड तक आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता। तो पेशेंट आपको क्या बोलता है ना, पेशेंट बोलता है कि मेरे को बाकी मेरे फ्रेंड सर्कल वाले लोग बोलते हैं कि कहां दांत लगाए आपके, तो दांत है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे बड़ी जो होती है वो या तो मेरा दांत विजिबल ज्यादा हो जाते हैं, नकली दिखते हैं, या फिर मेरा क्या है, इनसफिशियंट टूथ विजिबिलिटी है, दोनों में से कोई भी एक चीज, ठीक है। तो ये क्या है, मेरा ऑक्लूजन प्लेन प्रॉपर ओरिएंट नहीं हुआ है, ठीक है, मेरा ऑक्लूजन प्लेन प्रॉपर नहीं ओरिएंट हुआ है, ठीक है, ऑक्लूजन प्लेन की ओरिएंटेशन ठीक नहीं है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने वीवी ठीक नहीं लिया, उस केस में भी मेरे ये प्रॉब्लम होगी। उसके बाद मैं बोल रही हूं कि अगर मैंने लेबियो लिंगुअल और लेबियो पैलेटल पोजीशनिंग एंटीरियर दांत की ठीक से नहीं की है, ठीक है, इन दोनों की पोजीशनिंग जो है इम्प्रॉपर है, तो उस केस में भी मेरी दांत की विजिबिलिटी जो होगी वो अफेक्ट होगी। ये तो हो गया एक बात। उसके बाद क्या बोल रहा है, एक तो प्रॉब्लम ये होगी कि या तो दांत ज्यादा दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो गया, एक तो दांतों से रिलेटेड हो गया, एक ये हो गया कि आपके पेशेंट के दांत तो दिख रहे हैं लेकिन वो पेशेंट अभी भी बुड्ढा का बुड्ढा ही दिख रहा है। तो पेशेंट बहुत सारे प्रॉब्लम जो एस्थेटिक रिलेटेड जो पेशेंट्स होते हैं उनमें ये पुअर अपियरेंस सबसे ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा एस्थेटिक पे भी बहुत कंसर्न होते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या हो सकता है, या तो पेशेंट बोल रहा है कि हम लोग अभी भी, मैं तो वैसे का वैसे ही दिख रहा हूं, आपने दांत तो लगा दिया, मैं तो कोई जवान नहीं हुआ, मुझे तो बोला था, मुझे तो मेरे दोस्तों ने बोला था कि मैं दांत लगवाऊंगा तो मैं जवान दिखूंगा या दिखूंगी, ठीक है। तो हमारा अभी तो ये यूजुअली किस केस में होता है, या तो क्रीज कॉर्नर ऑफ द माउथ में तब बनते हैं जब वीडी जितनी रहनी चाहिए थी, वर्टिकल डायमेंशन वर्टिकल हाइट पेशेंट के जितनी रहनी चाहिए थी उससे कम करेंगे तो क्या होगा, रिंकल्स आ जाएंगे फेस की साइड में, माउथ की साइड में। तो वही सेम, अगर लेबियल फुलनेस भी हमने ठीक से नहीं रिकॉर्ड किया तो भी यही प्रॉब्लम होगी कि क्रीज बन जाएंगे हमारे कॉर्नर ऑफ द माउथ पे। तो ये हो गया हमारा पुअर अपियरेंस की बात,
तो हम लोग बात करते हैं अब, ये तो होगी अपियरेंस की बात, इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनके साथ पेशेंट आ सकता है, ठीक है। तो उन सब कैटेगरी को हमने किसके अंदर डाल दिया, उन सब कैटेगरी को हमने डाल दिया है मिसलेनियस के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर हमारी कौन कौन सी प्रॉब्लम है, या तो हमारा टेस्ट ठीक नहीं है, पेशेंट को बोल रहा है कि हमारा मेरा टेस्ट चेंज हो गया, ये वाली जो प्रॉब्लम है वो मेरे एक्रिलिक की वजह से है, ठीक है। इस केस में आप मेटल का डेंचर भी दे सकते हो, और पेशेंट को आप साइकोलॉजिकली भी कन्विंस कर सकते हो कि अभी तुम्हारे असली दांत नहीं रहे हैं, अब हम लोग के दांत जो है वो नकली हो गए। उसके बाद पेशेंट को बोलने में भी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, फोनेटिक्स की प्रॉब्लम्स हो सकती है, फोनेटिक्स पे अलग वीडियो बनाएंगे हम लोग, डिटेल वीडियो बनाएंगे, तो अगर फोनेटिक्स इसमें कवर करने लगे तो आप लोग सो जाओगे, इसलिए हम लोग फोनेटिक्स की प्रॉब्लम को एकदम डिटेल में नहीं बात करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग यही बात करेंगे कि हम लोग अगर एस साउंड पेशेंट नहीं बोल पा रहा है वो किस वजह से है, अगर वर्टिकल हाइट हमने बढ़ा दी है तो जो हमारा फ्रीवे स्पेस है, जो मेरा थोड़ा सा स्पेस बचता है, ठीक है, जिसमें एस स बोलते हैं, स बोलते हैं तो क्या है, थोड़ी सी स्पेस बचती है, अगर वो स्पेस हमने नहीं रखी है, फ्रीवे स्पेस नहीं रखी है, तो मेरा क्या होगा, एस साउंड जो होगा वो नहीं बोला जाएगा, तो पेशेंट एस की साउंड नहीं प्रोनाउंस कर पाएगा। एक्सेस ओवर जेट रख दिए तो पेशेंट क्या है और एस नहीं बोल पाएगा, एक्सेस ओवर बाइट रख दिए तो पेशेंट क्या है, एस नहीं बोल पाएगा। फिर अब पी और बी की साउंड में भी अगर मैंने, अगर मेरे इंसाइजर की पोजीशनिंग भी ठीक नहीं है या वीडी ठीक नहीं है तो पेशेंट बाइलेबियल साउंड भी नहीं बोल पाएगा। तो ये फोनेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे, बाइलेबियल साउंड दोनों लिप्स से जो साउंड होती है, जैसे बोलिए बी, बी बोलने में, पी बोलने में, ये बी बोल के देखिए, बोलिए बी, पी बोलिए, इनमें दोनों में मेरे लिप्स टच होते हैं, तो इस केस में क्या है, अगर इंसाइजर पोजिशनिंग ठीक नहीं है तो ये साउंड नहीं बोल पाएगा। फिर लेबियो डेंटल साउंड लिप्स की जो दांत के साथ, जैसे एफ और बी साउंड, इसमें हम लोग प्लेन ऑफ ऑक्लूजन की बात करेंगे, हाई है लो है तो क्या होगा, ठीक है, बेसिकली इनकरेक्ट वीडियो हो गई, या फिर एंटीरियर दांत बहुत पीछे लगाए हैं, बहुत ज्यादा लिंगवली लगाए हैं, तो वो सब प्रॉब्लम हो गई। फिर हम लोग बात करते हैं अगर खाने में पेशेंट को दिक्कत हो रही है, देखिए लूजनेस के, डेंचर की लूजनेस के साथ, डेंचर की लूज भी हो सकता है, डेंचर में हमें ऐसा पेशेंट डिस्कम्फर्ट के साथ भी आ सकता है, इसके साथ साथ पेशेंट डिफिकल्टी के साथ भी आ सकता है, ठीक है। तो डिफिकल्टी ईटिंग की भी एक प्रॉब्लम है, जो अगर हमने वीडी इंक्रीज कर दी है, डिक्रीज कर दी है बहुत ज्यादा, तो पेशेंट खा भी नहीं पाएगा, डेंचर भी अनस्टेबल होगा, ठीक है। और क्या बोलते हैं, अगर मैंने पोस्टीरियर दांत बहुत ज्यादा ट्रिम कर दिए हैं, ठीक है, हाई पॉइंट्स हटाने के चक्कर में जो है मैंने पोस्टीरियर दांत भी बहुत ट्रिम कर दिए, तो भी पेशेंट को क्या है, खाने में दिक्कत होगी। उसके बाद अगर मैं बात करती हूँ, पेशेंट बोल रहा है, क्लैटरिंग ऑफ द टीथ, इसमें क्या होता है, जब पेशेंट बोल रहा है या खा रहा है तो क्या होगा, हम लोग वीडियो में भी ये बात करेंगे, जब पेशेंट बोल रहा है या खा रहा है तो क्या होगा, जब पहले जहां पे दांत, मेरे दांत से दांत टच होने चाहिए थे, जिस पर्टिकुलर टाइम में, जिस पर्टिकुलर एरिया में, अगर मैंने वीडी बढ़ा दिया उसमें, उससे पहले ही टच हो जाएंगे, जब मुंह बंद करेंगे जहां पे मुंह बंद होना चाहिए था, देखिए वीडी बढ़ा दिया, यानी जिस समय में ये मेरा, देखिए मुंह खुला हुआ है, ठीक है, जिस समय में मेरे दांत यहां पे आके रुकने चाहिए थे वो समय अब कम हो गया है, यानी कि अगर थोड़ा सा भी पेशेंट बोलेगा तो दांत से दांत भिड़ जाएंगे, या खाएगा तो दांत से दांत भिड़ जाएंगे, तो क्या होगा, मेरा क्लिक होगा, ऐसे टक 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 बोलेगा पेशेंट का, तो क्लैटरिंग ऑफ द टीथ होगी। अगर मैंने इंक्रीज ओवरलैप कर दिया है इंसाइजर्स का तो भी मेरा क्लैटरिंग ऑफ द दांत होगा, अगर मेरे डेंचर लूज है तो थोड़े बहुत गिर जाते हैं, थोड़े ढीले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उस केस में भी क्लैटरिंग होता है। फिर अगर मेरा कस्पल इंटरफेरेंस आ रहा है या मेरा बैलेंस प्रॉपर नहीं है, उस केस में भी, और जो है मेरा क्लैटरिंग ऑफ द टीथ पोर्सलिन के दांत में भी होता है, ठीक है, खाने के टाइम और बोलने के टाइम पे। फिफ्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आपको पता है वो क्या है, ये है पेशेंट को डेंचर देने के बाद डेंचर में क्या होता है, गैगिंग और नोजिया होता है। ये किस किस, ये अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बोलूंगी सीक्वल ऑफ कंप्लीट डेंचर में हमने गैगिंग डिस्कस किया है, प्लीज गैगिंग की वीडियो को जरूर देखिए। अगर आपको ये जानना है कि गैगिंग के पेशेंट में प्रोस्टोडोंटिक कंसिडरेशन कैसे हम करेंगे, कैसे गैगिंग के पेशेंट में क्या मेरी इंप्रेशन टेक्निक होगी, क्या मैं डेंचर में मॉडिफिकेशन करूंगी, कैसे मैं जॉरिलेशन लूंगी, कैसे मैं टीथ सेटिंग करूंगी, या तुम करोगे, तो ये जानने के लिए गैगिंग की वीडियो जरूर देखिए। तो गैगिंग और नोजिया के केसेस में क्या होगा, अगर डेंचर दे दिया पेशेंट को फिर भी गैग हो रहा है, बहुत सारे रीजन है, या तो डेंचर लूज है, या फिर ऑक्लूजन प्रॉपर नहीं किया है मैंने, या फिर मेरा जो डिस्कल टर्मिनेशन है अपर डेंचर का मैंने बहुत मोटा रख दिया, या फिर मेरा ऑक्लूजन प्लेन बहुत लो कर दिया है मैंने, ठीक है, या फिर मेरा जो मैंडिबुलर डेंचर है रेट्रोमायलोहाइड एरिया तक पीछे पोस्टीरियरली ओवर एक्सटेंडेड है, ठीक है, या फिर मेरे डेंचर बॉर्डर्स ओवर एक्सटेंडेड है, ठीक है, और बहुत सारे केसेस में साइकोलॉजिकली भी होता है गैगिंग, ठीक है।
तो इसके साथ हमारा फाइनली खत्म होता है डेंचर की पोस्ट डेंचर इंसर्शन प्रॉब्लम्स, यानी हमने अगर पेशेंट को डेंचर दिया है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स के बाद, डेंचर देने के बाद पेशेंट क्या क्या प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आ सकता है और आप उस प्रॉब्लम को कैसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब कोई पेशेंट आपके साथ डेंचर लेके आएगा, ये वीडियो देखने के बाद अब आपको पता चल गया है, अब आप श्योर शॉट हो गए हो कि इनमें से कोई ना कोई एक प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पेशेंट को प्रॉब्लम किस, क्या रीजन है, क्या वजह है कि पेशेंट प्रॉब्लम है, कौन सी प्रॉब्लम, और फिर हम इस बार उसको सॉल्व करेंगे। ब्लाइंडली हम पैनिक नहीं करेंगे, जब पेशेंट आपके पास आके आपके मुंह पे डेंचर फेंक के जाता है, क्या डेंचर दिया है तुमने, ठीक है। तो इसके साथ हमारा खत्म होता है पोस्ट डेंचर इंसर्शन प्रॉब्लम्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी वीडियो बनाते रहें, अगर आप मेरा दिल खुश करना चाहते हैं, मुझे खुश करना चाहते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए हमारे चैनल को और स्टे ट्यून्ड विद डेंटल।